हम सभी प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित जो एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हमारे विभाग के द्वारा लाया गया है और जो संचालित है बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के द्वारा के तहत अपनी जानकारियों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और मुख्य बातों को अपने जहन में लाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने ध्यान में बिठाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि कार्य क्षेत्र में हम उन बातों से प्राप्त समझ का लाभ ले सकें और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी हम जवाब दे सकें। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं बिल्कुल आरंभिक बिंदु से, जो सबसे प्रथम बिंदु है कि आखिर ECCE है क्या। ECCE संक्षिप्त रूप है एक शब्द समूह का, जो अंग्रेजी का शब्द समूह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका संक्षिप्त रूप है ECCE। अर्ली के लिए ई लाया गया है, चाइल्डहुड के लिए सी लाया गया है, केयर के लिए सी लाया गया है और एंड एजुकेशन के लिए ई लाया गया है। तो कुल मिलाकर जो अंग्रेजी शब्द समूह है उसका ये संक्षिप्त स्वरूप है और उस अंग्रेजी शब्द समूह का जब हम हिंदी करते हैं तो हिंदी उसका होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा। और ये पाठ्यक्रम हमारे देश में वर्ष 2013 में लाया गया है, तब से ये चल रहा है और हम भली भांति इस पाठ्यक्रम को समझ पाएँ और उसका अपने कार्य क्षेत्र में लाभ ले पाएँ, इसलिए अब ये एक वर्षीय कोर्स के रूप में हमारे समक्ष हम सबों को प्रशिक्षित करने के लिए लाया गया है और इसका प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है ICDS वर्कर्स के लिए। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं प्रारंभिक वाल्या अवस्था की समझ को मजबूत करके, और सारी बातें प्रारंभिक वाल्या अवस्था से ही संबंधित है इसलिए सबसे पहले हम प्रारंभिक वाल्या अवस्था को समझें। और प्रारंभिक वाल्या अवस्था सामान्य तौर पर हम सभी एक ही जवाब देंगे कि प्रारंभिक वाल्या अवस्था बच्चे की आरंभ तो होती है जन्म से, बच्चा जन्म लेगा प्रारंभिक वाल्या अवस्था आरंभ हो गई, पर बात ऐसी नहीं है। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आधुनिक काल में बच्चों के प्रारंभिक वाल्य अवस्था को माँ के गर्भावस्था से ही आरंभ माना जाता है और गर्भावस्था से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को प्रारंभिक वाल्य अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। कभी भी भूल ना करें, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल ना करें कि जब बच्चा जन्म लेगा तभी प्रारंभिक वाल्य अवस्था आरंभ होगी, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ें और आधुनिक मान्यताओं के मुताबिक गर्भावस्था से लेकर 6 वर्ष तक की आयु प्रारंभिक बाल्यावस्था मानी जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों का देखभाल जरूरी है, उस उम्र के हिसाब की जो शिक्षा है जरूरी है। तो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये पाठ्यक्रम लाए गए और इस पाठ्यक्रम में इससे संबंधित सारी बातें विस्तारपूर्वक बताई गई। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम लोग प्रारंभिक वाले अवस्था को देखते हैं तो हम सुविधा अनुसार इसको 3 चरण में विभक्त कर लेते हैं, 3 चरणों में बांट लेते हैं ताकि किस चरण में क्या करना है इसकी जानकारी स्पष्ट रहे और क्रियाकलाप हम उस चरण के लिए वैसा करें जैसा किया जाना है। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम सभी प्रारंभिक वाले अवस्था को 3 चरणों में विभक्त कर लेते हैं। प्रथम चरण में हम लोग गर्भावस्था से जन्म तक के काल को रखते हैं। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है तब तक प्रारंभिक वाले अवस्था का प्रथम चरण माना जाता है और इस प्रथम चरण के दौरान चूँकि बच्चा तो जन्म लिया होता नहीं है, प्रारंभिक बाल्यावस्था उनका तो आरंभ हो चुका होता है माँ के गर्भ में, तो देखभाल हम
इस दौरान माँ का करते हैं। और इसके अंतर्गत, प्रथम चरण के अंतर्गत विशेष रूप से माँ के स्वास्थ्य, पोषण तथा मनोभावों को उचित सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के प्रथम चरण में माँ के स्वास्थ्य, पोषण एवं सबसे महत्वपूर्ण उनके मनोभावों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कोशिश किया जाता है। यदि माँ का स्वास्थ्य भी सही है, पोषण भी सही है, लेकिन उनका मनोभाव पारिवारिक स्थितियों के कारण सही नहीं चल रहा है, वो उदास चल रही हैं, वो चिंता में चल रही हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं, तो ऐसे में इसका असर बच्चे पर पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। तो सबसे आवश्यक ये है कि यदि माँ का स्वास्थ्य सही चल रहा है, माँ को पोषण सही मिल रहा है, तो उनके मनोभावों पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। मनोभाव भी उनके सकारात्मक होने चाहिए, तभी गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास सही हो पाएगा। तो प्रथम चरण में हम माँ से संबंधित बातों पर ध्यान देते हैं। अब आइए हम सभी देखते हैं कि द्वितीय चरण में हम सभी किन बातों का ध्यान रखते हैं। और द्वितीय चरण में जो रखा गया है वो तो हम सभी जानते हैं कि द्वितीय चरण में जन्म से 3 वर्ष तक के काल के बच्चों को रखा गया है। और इसमें यहाँ पर द्वितीय चरण में बच्चे का जन्म हो जाता है और जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु तक के काल को हम द्वितीय चरण का काल मानते हैं। और इस द्वितीय चरण में हम सबों को क्या करना होता है, आइए देखते हैं। द्वितीय चरण का काल जन्म से 3 वर्ष तक का काल माना जाता है। और द्वितीय चरण में हम लोग इसके अंतर्गत घर या शिशु सदन के माध्यम से, घर या शिशु सदन के माध्यम से बच्चे के प्रारंभिक पोषण, प्रारंभिक क्रियाकलाप एवं सुखद सुरक्षित वातावरण के संयोजन पर हमारा ध्यान होता है। तो द्वितीय चरण में हम सभी घर पर बच्चा रह रहा है तो घर पे, या आजकल माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं तो शहरों में शिशु सदन बनाए गए हैं, और शिशु सदन में वो अपने बच्चों को दाखिला कराते हैं, उसमें उनके बच्चे रखे जाते हैं। जब वो कार्य क्षेत्र में होते हैं, कार्य में लगे होते हैं, अपने ड्यूटी पर होते हैं, तो जिनके जिन बच्चों के लिए घर पर सिर्फ माता पिता हैं, व्यक्तिगत परिवार है, तो इनके बच्चों के लालन पालन के लिए शिशु सदन की आवश्यकता शहरों में होती है। और शिशु सदन में बच्चे रखे जाते हैं, तो घर पर जो बच्चे रह रहे हैं या शिशु सदन में रह रहे हैं, ये बच्चे जो जन्म से 3 वर्ष के हैं, उनके लिए हम सभी उनके प्रारंभिक पोषण, प्रारंभिक क्रियाकलाप, क्या उनका क्रियाकलाप चल रहा है, शारीरिक संचालन कैसा चल रहा है, भाषा विकास की ओर किस तरीके से बढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो प्रारंभिक पोषण, सबसे पहले उनका शारीरिक स्वास्थ्य सही हो, शारीरिक ग्रोथ सही हो, इसके लिए पोषण की ज़रूरत होगी, तो सही पोषण पर हम ध्यान लगाते हैं। फिर प्रारंभिक क्रियाकलाप, पोषण सही हमने कर लिया तो इनके क्रियाकलाप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कहीं से सुस्त तो नहीं दिख रहे हैं, कोई क्रियाकलाप इनका पिछड़ तो नहीं रहा है उम्रानुसार, इस पर हम ध्यान देते हैं। और सुखद सुरक्षित वातावरण इनके लिए हम कायम करते हैं, ताकि इनका प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो अपेक्षित विकास है वो हो पाए। और वो तभी संभव है जब बच्चा सुखद वातावरण में रहे।
तो द्वितीय चरण में जो जन्म से लेकर 3 वर्ष के बच्चे हमारे होते हैं उनके लिए हम उनके प्रारंभिक पोषण पर ध्यान देते हैं, फिर प्रारंभिक क्रियाकलाप पर हम निगाह रखते हैं कि सही क्रियाकलाप चल रहा है या नहीं, और उनके लिए सुखद सुरक्षित वातावरण की व्यवस्था हम लोग करते हैं और तब जाकर प्रारंभिक वाले अवस्था के सही विकास की अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो ये जानकारी हम सबों को होनी है, बच्चों के माता पिता को होनी है, शिशु सदन वालों को होनी है, जिन जो बच्चे घर पर रखे जा रहे हैं परिवार के उन सदस्यों को होनी है। तो ये सभी चीज़ें हम सबों को ICDS वर्कर्स को घर घर जाकर बताना है, समझाना है, ताकि जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं उनका प्रारंभिक बाल्यावस्था मजबूत हो, जिसके आधार पर शेष जीवन उनका भली भांति निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि तृतीय चरण में हमें क्या करना होता है। तृतीय चरण जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग को माना जाता है, तृतीय चरण जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं और उनके देखभाल के लिए उन जो प्रारंभिक वाले अवस्था का तीसरा चरण है जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, इनके ऊपर देखभाल और शिक्षा से संबंधित कैसे ध्यान दिए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार है कि तृतीय चरण में इसके अंतर्गत विद्यालय पूर्व अथवा प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत हम इन्हें विद्यालय पूर्व की शिक्षा अथवा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करते हैं और इसके लिए हम सभी जानते हैं कि ICDS वर्कर्स का केंद्र संचालित होता है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम से। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं और ICDS वर्कर्स इन्हें सेवा प्रदान करते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि इनके ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसा चल रहा है, इनका प्रारंभिक संज्ञान कैसा चल रहा है, इनका आरंभिक सामाजिक भावनात्मक समन्वयन कैसा चल रहा है। तो तृतीय चरण में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे आते हैं उनके लिए हम सभी विद्यालय पूर्व अथवा प्रारंभिक शिक्षा जो ज़रूरी है बच्चों को वो देने का प्रयास करते हैं और हम ध्यान देते हैं कि उनके ज्ञानेंद्रियों का विकास सही हो रहा है या नहीं, जो उम्र है उनकी उनके हिसाब से वो बातों को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, इन बातों पर हम ध्यान देते हैं। प्रारंभिक संज्ञान के लिए इन ज्ञानेंद्रियों का सही ढंग से विकसित होना ज़रूरी है, तो ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसा चल रहा है ये उनके प्रारंभिक संज्ञान बताएंगे कि किस तरीके से वो बातों को ले रहे हैं, किस तरीके की समझ उनके अंदर किसी उद्दीपन को देखकर आ रही है, किसी वस्तु को देखकर आ रही है, किसी रंग को देखकर वो क्या कहते हैं, किसी वस्तु को देखकर वो क्या नाम देते हैं। तो ये है संज्ञान लेना उनका, और ये संज्ञान लेना उनका समुचित तभी होगा जब उनकी ज्ञानेंद्रियाँ सही ढंग से कार्य करें। तो तृतीय चरण में विद्यालय पूर्व अथवा प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम हम उनको प्रदान करते हैं और यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है उसके अंतर्गत हम जो ध्यान देते हैं वो उनके ज्ञानेंद्रियों के विकास पर ध्यान देते हैं कि कैसा विकास इनके जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो 5 होती हैं आप हम सभी जानते हैं। तो इन ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान ग्रहण करना है वो किस प्रकार सही ग्रहण कर पा रहे हैं या चूक हो रही है या
बिल्कुल विपरीत ग्रहण कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम उनके ज्ञान इंद्रियों के विकास के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि उनका प्रारंभिक संज्ञान जो है, प्रारंभिक समझ जो है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सही ग्रहण हो पाए। और सबसे ज़्यादा जो हम उन पर ध्यान देते हैं वो है उनका आरंभिक सामाजिक भावनात्मक समन्वयन पर विशेष बल देते हैं कि उनका जो आरंभिक सामाजिक और भावनात्मक समझ है उन दोनों के बीच बिल्कुल समन्वयन रहे, दोनों के बीच बिल्कुल एक जैसा सहमति रहे। कहें समन्वयन का मतलब है कि दोनों एक दूसरों से मिलते जुलते हों। तो उनका सामाजिक और भावनात्मक समन्वयन जो है उस पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के तीन चरण व्यवहारिक दृष्टिकोण से तीन चरणों में बांटा गया। और तीनों चरणों में हम क्या करते हैं, एकाग्र चित्त में हम सबको करने होंगे, देखने होंगे। और परीक्षा में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके उत्तर भी देने होंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल क्या है, प्रारंभिक अवस्था को व्यवहारिक दृष्टिकोण से कितने चरणों में विभक्त किया गया है, और फिर वो सभी चरणों की बात दीर्घोत्तरीय में पूछ सकते हैं या लघु उत्तरीय में वो पूछ सकते हैं कि प्रथम चरण में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, द्वितीय में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, तृतीय में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, इस तरीके के प्रश्न होंगे। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था गर्भावस्था से लेकर 6 वर्ष तक की आयु को माना गया है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। तीन चरण, प्रथम चरण गर्भावस्था में जब बच्चे हैं यानी जन्म से पूर्व का वो काल है प्रथम चरण, द्वितीय चरण जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो 3 वर्ष तक का काल है, और तृतीय चरण 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आयु वर्ग है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को हमने आज भली भांति समझ लिया, इनके तीनों चरणों को समझ लिया। और अगले वीडियो में हम फिर नई बात लेकर आएंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना समय से आप सबको मिल जाया करें। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।